तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपने दो वीडियो आपने देखा होगा मुंबई के जो मैंने बनाया था। तो ये मुंबई वाला जो वीडियो था, व्लॉग था, उसका तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे सुबह हो गई है। हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। और ये जो होटल है, जो कि होटल रेसिडेंसी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी अच्छा होटल है, जो कि काफ़ी पास में ही जो है आया हुआ है, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे पास में आया हुआ है। उसके बाद हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे मन्नत, जो शाहरुख खान का घर है, वहाँ पे जो है हम लोग गए थे। हम लोग जो है मेट्रो के अंदर गए थे। मेट्रो में काफ़ी मतलब इजी पड़ता है और काफ़ी सस्ता भी जो है यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये है शाहरुख खान का घर। हालाँकि इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं दिखी मेरे को, लेकिन जब शाहरुख खान मतलब घर में होते हैं या बर्थडे के टाइम पर, काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सामने का यहाँ पे इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हो पास ही में जो है बीच है। और हालांकि यहाँ कोई यहाँ पे नहाना वगैरह, स्विम वगैरह कोई भी यहाँ पे नहीं करता। यहाँ शायद अलाव भी यहाँ पे नहीं है, ओके। तो ये वहाँ का नज़ारा है दोस्तों। आज का वीडियो उसके लिए भी है जो मतलब एयरपोर्ट लॉन्च के बारे में जो है जानना है आपको, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो वीडियो में आप बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, ओके। तो ये जो इलाका है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे और भी सेलिब्रिटी है, तो उनके भी घर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गैलेक्सी अपार्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सलमान खान का जो है यहाँ पे घर है ऊपर, और नीचे यहाँ पे डी मार्ट देख रहे हो, उसके ऊपर जो है यहाँ पर सलमान खान का जो है यहाँ पर घर आया हुआ है। और ये जो जगह है यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सचिन तेंदुलकर का घर है। तो यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटी के घर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो तो बांद्रा वेस्ट, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सब सेलिब्रिटी के घर जो है देखने को मिलेंगे। मुंबई अगर कभी भी आप जाओ तो यहाँ पे मन्नत जो है आप लोग ज़रूर जो है यहाँ पे देखना। और ये जो जगह देख सकते हो, ये जो हाउस देख रहे हो आप, ये राइट साइड वाला, ये अनिल कपूर का है। और ये जो है जॉन इब्राहिम भी जो है यहाँ पर रह चुके हैं भाड़े पर, और लेकिन ये जो ओन करता है ये अनिल कपूर का जो है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है राइट साइड वाला, ये अनिल कपूर का है। और वहाँ पे जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ, घर की प्राइस भी जो मैंने पता की है, शाहरुख खान के घर के सामने जो प्राइस देखने को मिली है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये सचिन तेंदुलकर का यहाँ पर बैट भी जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो प्राइस है, लगभग 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ ऐसे प्राइस के अंदर जो है यहाँ पे घर मिलते हैं, मतलब काफ़ी महंगे घर हैं, देख सकते हो। और ये जो फ्लैट है यहाँ पे भी काफ़ी सेलिब्रिटी जो है यहाँ पे भाड़े पे जो है यहाँ पे रह चुकी है। हालांकि ये कौन ऑन करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ऋतिक रोशन और भी बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटी पहले जो है यहाँ पर रह चुके हैं, मतलब रेंट लेके जो है वहाँ पे रह चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग वहाँ से आ चुके हैं। और ये एक जगह थी जहाँ पे काफ़ी कबूतर जो है यहाँ पे दाना चरते जो है यहाँ पे नज़र आए थे, जो कि ये जो जगह है ये लगभग करीब करीब जो है यहाँ पे मेट्रो जहाँ से जाती है, और सामने जो है हाजी अली दरगाह भी है, पास ही में ही है, तो वहाँ पर। और ये मरीन लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, मरीन लाइन के सामने ही पड़ता है वो। हम लोग वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर जो है धीरे धीरे जो है वहाँ से जो है यहाँ पे मरीन लाइन पे जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। मुंबई घूमने की अगर मैं बात करूँ, तो मुंबई घूमना है अगर आपको, तो है आपको ट्रैवल करना होगा लोकल में, लोकल बस, मेट्रो में आपको ट्रैवल करना होगा, रिक्शा, आप कैब भी ले सकते हो, बहुत सारे मतलब तरीके हैं। लेकिन अब हर जगह कैब के अंदर जाओगे तो मुंबई आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो अब लोकल में अगर आप घूमोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मुंबई के अंदर घूमने का जो मज़ा है वो लोकल के अंदर है। मेट्रो में भी अगर आप घूमोगे, आपको मतलब प्राइस या सस्ता, मतलब काफ़ी आपको जो है सस्ता भी पड़ेगा और आपकी बचत भी होगी, और आप मुंबई को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो हम शाम के टाइम पे यहाँ पे जो है जवेरी बाज़ार के अंदर वहाँ पर एक होटल है, रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नाश्ता करने के लिए जो है यहाँ पर आए हुए है। और ये लगभग यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, काफ़ी यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट बहुत सारे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, मतलब खाने की कोई कमी जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको वहाँ पे मुंबई के अंदर
जो है आपको मिलेगी नहीं। तो हर चीज़ जो है यहाँ पे आपको खाना के लिए, आपको पीने के लिए अगर आपको चाहिए, और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद जो है यहाँ पे होटल आ चुके थे, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फुट मसाज जो है यहाँ पे ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिन जो मतलब सुबह में हम लोग गए थे यहाँ पे, यहाँ से हाजी अली जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये हमारे हाजी अली का जो है यहाँ पे सफ़र है। हालांकि हाजी अली के अंदर काफ़ी काम जो है यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी काम बाकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और पता नहीं क्यों जो है ये जो हाजी अली है, ये जो रिनोवेशन है, रिनोवेशन अभी तक की जो है यहाँ पे की नहीं है। मैंने काफ़ी सालों बाद जो है यहाँ पे आया हूँ, तब भी देख रहा हूँ सेम टू सेम पहले जैसा था वैसा ही है। काफ़ी है मतलब आजू बाजू में काफ़ी कचरा भी जो है मुझे देखने को मिला। पता नहीं ये यहाँ के जो मतलब मेंटेनेंस वाले हैं, जो इसको संभालते हैं, जो मेंबर्स है, क्यों ये साफ़ सफाई नहीं करते अच्छी तरीके से, जो है यहाँ पे नहीं करते पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। हाजी अली की अगर मैं बात करूँ तो हाजी अली में काफ़ी लोग जो भी मुंबई जाता है हाजी अली दरगाह के जो है वहाँ पर ज़रूर जाता है, लेकिन साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हम लोग फिर से जवेरी बाज़ार में आए थे उसी दिन, और यहाँ पे देख सकते हो जामा मस्जिद के पास, यहाँ पे कुछ ख़रीदारी अगर आपको करनी है तो आपको लोकल के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप क्लोथ्स वगैरह अगर आपको लेना है, ज्वेलरी वगैरह अगर आपको लेना है, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको अगर खिलौने वगैरह लेना है तो वो भी आपको जवेरी बाज़ार के आसपास जो है आपको सब कुछ जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैब के अंदर से, हालांकि काफ़ी दिन हो चुके हैं तो ये वीडियो मैंने सोचा था बनाऊंगा, लेकिन टाइम फिर नहीं मिला, इसलिए फिर मैं बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि दूसरे वीडियो के अंदर जो है मैं काफ़ी व्यस्त था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट आ चुके हैं, देख सकते हो हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पे जाएंगे। हालांकि हमारा जो घर है लगभग यहाँ पे ट्रेन में लगभग 6 से 7 घंटे लगता है, लेकिन हम फ़िलहाल जो है यहाँ पे आपको बताने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए जो है यहाँ पे फ्लाइट से हम ले जा रहे हैं। और मैं आपको लॉन्च के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो लॉन्च जो होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हाँ 2 रुपये में खाना नहीं मिलता या 25 रुपये में नहीं मिलता, फेक है, ऐसा काफ़ी जो है यहाँ पे बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई भी पार्टिकुलर अगर क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च सपोर्ट करता है, लॉन्च सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर आपको जो है लॉन्च सपोर्ट मिलता है, मतलब क्वार्टरली की बात करूँ या ईयरली आपको 4 फ्री लॉन्च जो है देखने को मिलता है। तो ऐसा कार्ड जो है आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो मुंबई का जो एयरपोर्ट है काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मतलब आर्ट की गई है दीवारों के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट में हालांकि पहली बार यहाँ पे आया हूँ, पहले भी बहुत बार मुंबई आ चुका हूँ, लेकिन ट्रेन से जो है ज़्यादा सफ़र किया है। तो ये मुंबई एयरपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये तरह तरह के अलग से अलग तरीके से जो है यहाँ पे कला जो है यहाँ पे दर्शाया गया है इंडिया के, और बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी ह्यूज है। अगर आपको 1 नंबर से अगर आपको 20 नंबर पे अगर आपको जाना है तो काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त भी है, इंटीरियर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देख सकते हो हम लॉन्च के अंदर जो है यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, और ये जो लॉन्च आपको मिलता है, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन पे जितने भी कार्ड के अंदर लॉन्च अवेलेबल है, मुंबई एयरपोर्ट की बात करूँ, अहमदाबाद एयरपोर्ट की, बेंगलोर में, चेन्नई में, तो सब जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे इंक्लूड कर दूंगा, तो आप चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आपके पास भी कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप गूगल पे सर्च करके भी जो है पता कर सकते हो। सिर्फ आपको 2 रुपये का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, और कुछ कुछ कार्ड में 25 रुपये होता है जो कि रिटर्न आ जाता है। तो ऐसे में आपको जो है एयरपोर्ट के लॉन्च के अंदर आपको अनलिमिटेड खाना जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप मतलब के मान लो सुबह अगर आप गए हो तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको अनलिमिटेड मिलेगा, अगर आप जो है लंच के टाइम पे गए हो या डिनर के टाइम पे गए हो तो यहाँ पे अलग अलग जो फूड होते हैं, अलग अलग मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट का आपको जो है यहाँ पे फूड मिलेगा, अगर आप डिनर के टाइम पे गए हो तो डिनर के टाइम पे अलग कुछ आपको जो है देखने को मिलेगा, और हर चीज़ अनलिमिटेड होगा। आपको कॉफ़ी अगर आपको मिल्क आपको पीना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कॉफ़ी, चाय, और आपको जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम लोग जो है यहाँ पे
नाइट के टाइम पे जो है यहाँ पे गए थे डिनर के टाइम पे, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे देख सकते हो। ये मीठा यहाँ पे पनीर, आपको नॉनवेज भी जो है यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दाल है और यहाँ पे देखते क्या है, ये चावल है। ओके, तो काफ़ी कुछ जो है आपको मिल जाएगा। और आपके पास अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आप बिल्कुल लॉन्च का जो है यहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हो। आपको सिर्फ 2 रुपये में आपको जो है पेट भर के, वो भी एयरपोर्ट के अंदर। तो आपको मालूम होगा कि एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी महंगा होता है हर चीज़, पानी की बोतल से लेकर आप कोई भी एक बर्गर भी खरीदो तो वो भी आपको जो है 100, 150, 200, 300 रुपये तक का जो है यहाँ पे सैंडविच वगैरह हो जाता है। लेकिन आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका फ़ायदा आप ले सकते हो एयरपोर्ट लॉन्च का। उससे आपको जो है 2 रुपये में आपको जो है अनलिमिटेड खाना जो है यहाँ पर आपको खाने को मिलेगा, तो आप वो जो है आप इंजॉय कर सकते हो। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारा जो चैनल है अकरम मलिक यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें और भी बहुत सारे वीडियो मैं बनाता हूँ, जैसे मान लो अगर आपको दुबई जाना है, दुबई में कहाँ रहना है, खर्चा कितना है, तो वो सब के वीडियो मैं बनाता हूँ। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट करना। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी इनेबल कर देना। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।